किसी के सौंदर्य का सकार मत कीजिए। यदि किसी का चमड़ा तुम्हें बढ़िया लगता है तो हृदय में एक बार तो ये बात आनी चाहिए कि स्त्रियां ये पुरुष इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाले भगवान न जाने तुम कितने सुंदर होगे। दिल दिमाग में तो ये बात आनी चाहिए। सागर से निकली थी ये देवी जिसका नाम था अहिल्या। जिस समय अहिल्या समुद्र से निकली उस समय भी इंद्र की निगाहें इसके ऊपर थी, लेकिन भगवान महादेव के कहने से अहिल्या का विवाह महात्मा गौतम के साथ कर दिया गया था। पंच कन्याओं में माता अहिल्या का नाम आता है। पांच देवियों के रोज नाम लिया करो, इससे बेटियों के लिए तो वरदान है, इससे कन्या धर्म सुरक्षित रहता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा, ये पांचों देवियां अयोनिजा हैं। इन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। अहिल्या समुद्र से निकली, द्रौपदी यज्ञ कुंड से निकली, अहिल्या द्रौपदी तारा ये भी सागर के मंथन से निकली। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती नागकन्या है, ये अमृत के कुंड से निकली। वो लंबी कथा है, मैंने कई बार सुनाई है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी, मंदोदरी एक हेमा नाम की स्वर्ग की अप्सरा थी, उससे कुछ गलती हो गई, साधु ने श्राप दे दिया कि तू मेढकी बन जा, तो ऊपर इंद्र की सभा में से गिरी, मृत्यु लोक में आके कुएं में गिरी, मेढकी बन गई। और उस समय एक मय दानव नाम का राक्षस अपनी पत्नी के साथ एक बिटिया की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए आया, ब्रह्मा के लिए तप किया उसने। ब्रह्मा प्रकट हो गए, का वरदान मांग, कहा हमें बेटी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कुएं में एक कन्या पल रही है, उसे तू अपनी बेटी बना ले। ब्रह्मा की दृष्टि पड़ी, देखते देखते कुएं की मेढकी एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हो गई। मय दानव ने उसका पालन किया, इसलिए उसका नाम मंदोदरी हुआ, इसलिए उसको मंदोदरी कहा गया। पांच कन्याओं में नाम मंदोदरी का आया, बड़ी अद्भुत नारी है। जब मैं उसके प्रसंग में पहुंचूंगा तब ये सब बातें मैं आपको सुनाऊंगा। वर्तमान समय में 63 रामायण है, जिसमें 33-34 तो मेरे पास है, और हर रामायण में एक जगमोहन रामायण है, बड़ी अद्भुत है, आपके हाथ लग जाए तो उसे पढ़ लेना। साउथ की बहुत अच्छी अच्छी रामायण है, कंभन रामायण है, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे प्रमाण दिए गए, जिसमें लिखा है कि रावण ने माँ को स्पर्श नहीं किया। माता जिस कुटिया में थी, कम्मन रामायण में लिखा है कि रावण ने कुटिया के सहित माता वैदेही को उठा लिया, उसने छुआ नहीं था। यदि वो माँ को छू लेता तो रावण में उसी समय आग लग जाती, भस्म हो जाता। एक कथा पद्म पुराण में आती है कि माता जानकी पूर्व जन्म की वेदवती एक ब्राह्मण ऋषि कन्या थी, ये तप कर रही थी, रावण विमान से ऊपर उड़ करके जा रहा था, इसने देखा, उसने विमान उतारा और ये वेदवती को छूने के लिए आगे के लिए बढ़ा, तो देवी ने कहा धूर्त मेरा श्राप है, यदि तूने मुझे छू लिया तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने यज्ञ में अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। वही वेदवती महाराज जनक की बेटी धरती फाड़ करके प्रकट हुई, रावण इस बात को जानता था, ये पूर्व की ये वही ऋषि कन्या, यदि मैंने इसको छू लिया तो मेरी खोपड़िया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए इसने माता जानकी को छुआ नहीं, कुटिया के सहित इसने ले लिया, ये अपना कल्याण चाहता था। माता जानकी का हरण करके, वो बहुत लंबी कथा है, तो मैं यह बोल रहा था कि वर्तमान समय में बहुत रामायण है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की भी एक रामायण है, तत्वार्थ रामायण, उसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। भुसुंडी रामायण है, बहुत अद्भुत रामायण है, आपके हाथों लग जावे तो ये रामायण पढ़ लेना। मैंने इनमें से बहुत, मैंने लगभग 12-14 रामायण की, तुलसी बाबा की रामायण को, वाल्मीकि रामायण को छोड़ करके मैंने और 12-14 रामायणों की कथा कोरोना काल में आपको सुनाई है। मैं इस प्रसंग को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। गौतम नारी श्राप वस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। धर्म के रास्ते का जब आप चुनाव करोगे तो आपके पामों की धूल साक्षात तीर्थ बन जाएगी, और ऐसी धूल किसी के ऊपर उड़ करके लग जावे तो उसे जनमानस का कल्याण हो जाएगा। एक हाथी जा रहा था, हाथी सूंड से धूल उड़ावे पीठ पर डाले, किसी महात्मा ने पूछा गज रुक,
ये धूल ऊपर क्यों डालता है? कहता है मैंने सुना है कि प्रभु राम के चरण धूल के द्वारा पत्थर की शिला अहिल्या तर गई, मैं भी सोच रहा हूं कि कहीं महापुरुषों के चरणों की धूल मुझे मिल जावे, वो भी मेरे शरीर के ऊपर गिरे तो मेरा कल्याण हो जाए। यदि हम चरित्रवान बने, अच्छे बने, बढ़िया बने तो हमारे चरण की धूल जनमानस का कल्याण कर दे। हम साधुओं को घर क्यों बुलाते हैं, गुरुजनों को, महापुरुषों को क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि ये इतने चरित्रवान हैं कि इनके चरण की जो धूल है वो धूल हमारे घर को, एकाध कण भी घर में रह गया तो हमारा घर प्रयाग बन जाएगा, हमारा घर तीर्थ बन जाएगा। ये होता तब है जिनके चरण सदमार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, आइए चौपाई गुनगुना लेते हैं, अगर ना दे सब गाइए। धर्म सत्य करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आज 1605 दिन हो गए हैं, 1605 दिन में एक दिन के लिए भी कथा एब्सेंट नहीं हुई, कथा ने विराम नहीं लिया। 1605वां दिन है, 1605 दिन हो गए हैं जिसमें एक दिन के लिए भी कथा का अवकाश नहीं हुआ। ये गौ माता की, हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो 1605 दिन में ऐसा कोई जरूरी काम भी लग सकता था, कोई स्वास्थ्य भी खराब हो सकता था, लेकिन गैया मैया की कृपा से स्वास्थ्य भी ठीक है, कोई ऐसा काम भी नहीं लगा। एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन मुझे व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो, कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो। 1605 दिन में टेलीविजन पर बराबर कथा चलती रही है, एक दिन के लिए भी लाइव टेलीकास्ट भी बंद नहीं हुआ। ये सब गौ माता की कृपा से हो रहा है। मैंने कथा के 4 दिन पहले बोला था कि जिनको बीच में जाना होता है वो आगे आके न बैठा करे, तो श्रोताओं को डिस्टर्ब होता है, दिक्कत होती है। अभी 8 दिन की कथा और है, जिनको कथा के बीच में से जाना होता है तो वो प्लीज थोड़ा पीछे बैठा करें तो ही ज़्यादा ठीक है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है बीच में से आप जाते हैं, भले ही आपको कोई ज़रूरी काम है इसलिए आप जाते हैं,
फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आर कथा बढ़िया नहीं हो रही है, आर कथा समझ में आ नहीं रही है, इसलिए आप खड़े होकर के जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है, भाषा समझ में आ रही है? आइए मैं आगे चलता हूं। चरण कमल रज चाहती कृपा कर हो रघुवीर। महात्मा श्री विश्वामित्र जी ने कहा आपके चरण की रज की भूगी है, प्रभु की कृपा के द्वारा अहिल्या का उद्धार हुआ और भगवान की वो स्तुति करने लगी। एक छंद में बड़ा सुंदर उसने संबोधन किया और इतना सुंदर बोल गई है वो गुरुदेव वशिष्ठ भी नहीं बोल पाए। अभी रावण की मृत्यु आसपास भी नहीं है और वो पहले ही बोल गई है कि रावण रिपु जन सुखदाई, हे प्रभु आप रावण के दुश्मन और जनमानस को सुख देने वाले हैं। क्या कहती है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, वह मेरे लिए वरदान हो गया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह